एक लड़की को, एक बच्ची को अल्लाह ताला जो ताकत देते हैं वो 10 आदमियों को भी नहीं देते। ये जिस दिन आपको समझ आ गई ना बात, उस दिन आपको पता चलेगा कितना बड़ा एहसान है आप पूरी उम्मत के ऊपर। और क्या ताकत है? वो फील की ताकत है। आप जितनी जल्दी पेन को, तकलीफ को जितनी जल्दी एम्पथाइज कर सकती है ना, फील कर सकती है, आदमी नहीं कर सकते। आदमी को उस पेन के अंदर से गुजरना पड़ता है। यू हैव द रेडार टू फील द एक्चुअल पेन। फलस्तीन की बच्ची की एक वीडियो में आपको दिखाऊं और 100 आदमियों को दिखाऊं, आप एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच जाएंगी, बच्चे की वीडियो दिखाऊं, जिस जगह पे उस बंदे उस तकलीफ का एहसास होना जरूरी है, आदमी नहीं पहुंचेंगे। सर हाउ टू, मतलब मैं इस चीज़ को इंटरनलाइज कैसे करूं? मतलब जैसे मुझे पता है कि डॉक्टर सराह की मैंने एक बात सुनी थी, तो इस चीज़ से मुझे बड़ा वो हुआ था कि उन्होंने कहा था कि आपको लगता है कि जैसे सांप का आपको पता है आप उसके करीब नहीं जाते, वो आपको काटेगा, मतलब आपको इस चीज़ का बड़ा यकीन होता है कि आप उसके पास नहीं जाते, या फिर आप आग में हाथ नहीं डालते क्योंकि वो आपको जलाएगी, आपको उस चीज़ का पता है। तो जब आपको अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना है, या फिर आपको ये जो दुनिया का छोटा सा बलून है इसको बर्स्ट करके आपको बड़ी आखिरा का जो मतलब इंटरफेस है उसमें दाखिल होना है, तो इस चीज़ को मैं कैसे फील करूँ अपने अंदर, कैसे मतलब अपनी कॉन्शियस कॉन्शियस में कैसे सबमर्ज करूँ, लेट अलोन सब कॉन्शियस, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल से। तो हाउ टू, मतलब मैं इस चीज़ को कैसे, इस पर्सपेक्टिव को कैसे अपने मतलब अपने अंदर लाऊं कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करूं, और फिर मैं इसी मतलब, सर आप समझ रहे हैं, मतलब मैं कैसे इस नाम चीज़ क्या को बताओ बिलीव आपका? करूं। सर मैं समझ बरीरा, गया हूँ मिर्जा बच्चा, पुत्र मैं समझ गया हूँ। आपका नाम क्या है? आपको नहीं बरीरा पता, मैं आपने पता, मैं जब मैं छोटा था ना और मैं अपने एक उस्ताद के पास गया, मैंने कहा मुझे, और मैं पहली दफा गया था, ओके पहली दफा है ना, इसे मुझे बुखारी शरीफ की जिल्द वो दें, बुक दें। इसे बुखारी क्यों करनी है? मैंने कहा मुझे नबी रसलाम का फलसफा पढ़ना। आई वॉज वट 15 16 एंड आई वॉज जस्ट फैसिनेटेड बाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हदीस, ठीक है। एंड दिस मैन जस्ट लुक एट मी एंड ही वॉज मेजरिंग मी अप, और देखा कि बच्चा सा आया। आपकी उम्र कितनी है सर पुत्र? आप 14 साल 15 साल के हैं? सर नो सर, आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, आई हैव 20। और वही 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 एक ही बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, यही उम्र है, ठीक है। कोई इतना टाइम नहीं जाए कि आपने अपने आपको ना नेगेटिव साइकोलॉजी में ना लेके जाना है, ये उम्र आपकी, ठीक है, ये जिसमें आपने इल्म हासिल करना। तो मैंने उस भाई साहब से कहा कि मुझे बुखारी शरीफ चाहिए थी। जैसे कि बुखारी शरीफ मुझे मिल गई तो मुझे बस दीन मिल जाएगा। ही सेड इट वाज मेजरिंग मी, आपने बोला क्या करोगे बुखारी शरीफ का, है ना, इसे मुझे फलसफा समझना है नबी अलैहिस्सलाम का। एंड देन ही टोल्ड मी दिस वन थिंग एंड ही वाज लाइक, देखो बेटर ध्यान से रखी, वो पाकिस्तानी तो नहीं थे मगर दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, ही सेड याद रखना, अगर मैं कहूँ ना कि तुम्हारे घर के सामने और इस जगह पे जहाँ बैठे हैं इसके सामने कहीं कोने पे आग लग गई है, तो तुम्हारा जेन खुद ही आग बना लेगा। ठीक है, क्या क्या पता वही आग बनाए जो वहां पे लगी है, क्या पता उससे बड़ी बनाए, क्या पता छोटी। और अगर मैं आपको लेके जाऊं उस आग के पास, तो जो आग की हरारत आप फील करने के बाद उस आग की हैयत को पहचानेंगे ना, वो यहाँ पे बातें करने से, किताब पढ़ने से नहीं समझ आएगी। यू नीड टू बी इन द गेम टू फील द गेम, ये याद रखिएगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आपका नाम मैं फिर भूल गया हूँ, नौरीन नाम था आपका? बरीरा बरीरा परीरा, बरीरा परीरा, ओके परीरा। अरे बच्चा बहुत ध्यान सुन लो एक बात, एक लड़की को, एक बच्ची को अल्लाह ताला जो ताकत देते हैं ना वो 10 आदमियों को भी नहीं देते। ये जिस दिन आपको समझ आ गई ना बात, उस दिन आपको पता चलेगा कितना बड़ा एहसान है आप पूरी उम्मत के ऊपर। और क्या ताकत है? वो फील की ताकत है। आप जितनी जल्दी पेन को, तकलीफ को जितनी जल्दी एम्पथाइज कर सकती है ना, फील कर सकती है, आदमी नहीं कर सकते। आदमी को उस पेन के अंदर से गुजरना पड़ता है। यू हैव द रेडार टू टू फील द एक्चुअल पेन। फलस्तीन की बच्ची की एक वीडियो में आपको दिखाऊं और 100 आदमियों को दिखाऊं, आप एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच जाएंगी, बच्चे की वीडियो दिखाएं, जिस जगह पे उस बंदे उस तकलीफ का एहसास होना जरूरी है, आदमी नहीं पहुंचेंगे। आदमी उस एटमोसफेयर को, उनकी नियत में नहीं मसला होगा, हमारे अंदर केपेबिलिटी टू फील पेन लेस है, इसी वजह से दुनिया का सर्वाइवल हो रहा है।
So what you need to do is to just be yourself as a woman, to internalize all of what Deen has to give you. I can't do that. I need a lot more touch and feel and to be inside the trenches to feel the blood and sweat. आपको अल्लाह ताला की तरह से जो इंटुइटिव लर्निंग का मैकेनिज्म मिला है ना, वो फील का जो मैकेनिज्म है इंटरनलाइज करने का, वो काश लड़कियों को पता चल जाए, काश मेरी उम्मत की बच्चियों को पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने आपको निजाम इंटरनलाइज करने के लिए दिया, आपका सिस्टम ही ऐसा है। और नाजायज फायदा उठाएगा एक पाकिस्तानी मर्द, क्योंकि आप ओवर फील कर जाया करेंगी एंड ही इज़ गोना मैनिपुलेट यू इनटू इट। सिर्फ दीनदार तबके में रहें, दीन की किताबें पढ़ें, इंटरनलाइज करना अल्लाह ताला ने आपके सिस्टम में खुद ही रखा हो, उसकी टेंशन ना लें। अगर आप दुनिया वाले दुनियादार बंदे के साथ आपकी फैसिनेशन की कर्व लग गई ना, और आपने किसी आदमी को मकसद बना लिया अपनी लाइफ को, जैसे लड़कियां बना रही हैं आजकल, यूनिवर्सिटी में जाती हैं और इश्क हो जाता है उनको। दुनिया में सबसे नीच मकसद एक आदमी का ना एक औरत है, और एक औरत का सबसे नीच मकसद एक आदमी है, ये याद रखना बस। दीन को इंटरनलाइज करें, देखें कैसे ताबे होती हैं बाकी की चीजें, और खुदा ना खासा ना हुई तो देखें फिर आखिरत में किस तरह के प्लैनेट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ये बस ईमान रखें, मुसलमान होने का मतलब ये। अब रही बात कि फिर व्हाट शुड यू डू, यू एज एज ऑफ 20, आपको मैंने सीरा पढ़ाई ना, और मैंने अपने बेटे को सीरा पढ़ाई, या मेरा बेटा तो छोटा है अभी, आपकी उम्र के लड़के को सीरा पढ़ाई, आपको जिस तरीके से सीरा फील होनी है ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ, वो करीब करीब आ जाएगी जिस तरह लोग जैसे के लोग देख रहे हों। ठीक है, मुझे कहानियां सुनानी पड़ती हैं, कहानियों पे कहानियां बना के सुनानी पड़ती हैं नबी अलैहिस्सलाम के अपने अपने लड़कों के सामने, लड़कियों के सामने। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी मैं एक सेशन कर रहा था तो लड़के ने कहा कि सर मेरे से नमाज छूट जाती है। तो मैंने कहा भैया बात सुन ध्यान से, अब वो और उसकी वालदा इकट्ठे थे सेशन में। मैंने कहा बेटा नमाज नहीं छूटती इंसान से, इंसान की क्या औकात नमाज छोड़ेगा, नमाज इंसान को छोड़ती है। और मैंने जैसे ही ये इंसान जुमला बोला, उस खातून के ऊपर जैसे बिजली गिर गई हो, शी इंटरनलाइज द वेरी फैब्रिक ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट। शी कुछ सेंस कि किस तरीके से वो वाकया होता है, जैसे नमाज वाकई इंसान को छोड़ के भाग रही हो कि तू कौन होता है, तू जैसा पलीद आदमी मुझे क्या पकड़ेगा। This is what she actually felt, she told me later on, that's why I know. So, aapko internalize karne ke liye Allah Ta'ala ne ek, bas aap hi hain, you are the embodiment of internalization of the feel of Islam. Okay, a Muslim woman is a way bigger asset right now than a Muslim man. Kaash ke aapko ladkiyon ko samajh aa rahi hai baat. You are 10 times the asset because you are the feel of religion. We are the you know ductile movement, हाथ और पैर हैं हम, आपके पास वो ताकत है। काश मैं explain कर सकता, I'm not a girl, I can't explain it, I can just do as much as I can right now, कि आपको बस यकीन दिला दूँ और आपको समझ आ जाएगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगी, आप देखेंगे आपके सामने। मैं आपको बता नहीं सकता, एक वाक्या होता है, एक मैं कोई एक फलस्तीन की अपील करता हूँ, 500 औरतें आती हैं हेल्प करने के लिए, 5 आदमी आते हैं। नहीं, मैं फलस्तीन का इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, आज दोबारा नान जारों ने फिर बॉम्बिंग कर रहे हैं ना, आपको पता नहीं है, तो इम्यून कर रहे हैं हमें बार बार। ठीक है, कोई बात ही नहीं कर रहा इस वक्त, वरना 500 वीडियोज रिलीज होती थी, 50 कॉलें आती थी, दोबारा बॉम्बिंग हुई है, ज्यादा बड़ी तबाही की बॉम्बिंग हो रही इस वक्त, मगर नो वन टॉकिंग अबाउट इट। सो जब मौका आया ना कि लोगों ने अल्लाह के दीन के लिए कुछ करना है, आजकल की बात बता रहा हूँ, ऐसे डोनेशन आती है लड़कियों की तरफ से, खवातीन की तरफ से, अल्लाह का इंटरनलाइज करना चाह रहे हैं। मगर आप मसला है कि आप लिटरेचर गलत पढ़ रही है, आप अगर सही लिटरेचर पढ़ेंगी तो पूरी सीरा इंटरनलाइज कर लेंगे, सही लोगों की सीरा पढ़ें और कुरान पाक की वाली आयात के ऊपर मरकूज हो जाएं, जो 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 अमाल की आयात है, जो काम करने की बात कर रही, बस दैट्स ऑल यू नीड टू नो राइट नाउ। लिटरेचर का मतलब होता है वो पाकिस्तान लिखे हुए लफ्ज को लिटरेचर कहते हैं। तो सीरा किताबों के पास जाएं, जस्ट रन टूवर्ड्स द बुक्स एट एज 20, दैट्स ऑल यू गॉट टू डू, दैट्स ऑल। जज़ाकअल्लाह सर।